से रखो कदम तो जमीन आसमां होगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह होगी। बाइक चलाना था, बोलो सपना क्या हुआ? सुबह से कई बार आप दोनों के बारे में पूछ चुके हैं, और तो और वो मुझे काफी गुस्से में भी नजर आ रहे थे। आज तुम उस डॉक्टर जी पर नजर रखो। रख लेंगे साहब, रख लेंगे। पर एक बात बताओ साहब, ये सब करने से होगा क्या? बहुत पर निकल आए हैं इस कबूतरी के, और कबूतरों के पर कैसे काटे जाते हैं ये डॉक्टर सिन्हा अच्छी तरीके से जानता है। कहाँ ढूंढूं उस अंगूठी वाले को? लगता है मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दूर हूँ। इस कातिल को नहीं ढूंढा तो ये मेरी जिंदगी की हार होगी। मेरे मरने के बाद भी ये कलंक मुझ पे रहेगा कि मैं अपने माता पिता की कातिल हूं। कितनी रात में सारिका का फोन? आखिर क्या हो सकता है? हेलो, हेलो राहुल। हाँ सारिका, बोलो। राहुल, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? ऑफ कोर्स मिल सकता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम आ जाओ प्लीज, मैं सब बताती हूँ। ओके, कहाँ आना है? मेरे आ सकते हो? ठीक है, आता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। राहुल, क्या कर रही हैं? ओहो, कोई ब्रेकिंग न्यूज मिले का है? तो इस नागसुक पल को हम कैमरे में कैद कर लेते हैं। राहुल, अरे यार आराम से दरवाजा खोलती, आपने ही बुलाया था मुझे। हाँ अब ये गया फिक्स डिपॉजिट में, ठीक है? इसके बाद इसको हम सही समय पे निकालेंगे। हमारा नाम कुकू ऐसे ही थोड़ी ना है, बात करते हैं। जी बताइए, अब इतनी रात गए आपने मुझे यहाँ एवी तो बुलाया नहीं, जरूर कोई खास बात होगी। मेरे लिए तो बड़ी बात है राहुल, और एक तुम ही हो जिससे मैं हक से कुछ शेयर कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने कहा हक से? आई एम राइट एज अ कलीग राहुल। ओके, कुलीग के नाते। ओके ठीक है, बताइए। क्या कहूँ, सोचती हूँ कहूँ भी कि नहीं, कहूँ भी तो क्या कहूँ। ओके ठीक है, मत बताइए, चलो बाय। राहुल, अच्छा ठीक है, बताती हूँ। राहुल, आज मैंने उस इंसान की निशानी देखी जिसने मुझे बहुत दुख दिया। क्या कह रही हो तुम, किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है वो? राहुल, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी। बोलो कौन है? क्या बोलू मैं राहुल, मैं भी तो ठीक से नहीं जानती वो कौन है, मगर है वो यही भी जिससे मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। यार तुम तो ना कमाल हो यार, लेकिन जिस कन्विक्शन से तुम बोल रही हो इससे साफ पता चलता है कि उस इंसान ने तुम्हें बहुत दुख दिए। बस एक बार तुम उस इंसान का नाम और पता बता दो, उसे मैं तुम्हारे कदमों में लाकर पटक दूंगा। जिससे मुझे पता चल गया कि वो कौन है और कहाँ रहता है,
सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी राहुल। और मैं ये वादा करता हूँ कि वो पलक झपकते ही तुमसे माफी मांगता नजर आएगा। क्या हुआ? अब मुझे यकीन है कि मैं एक दिन उसे जरूर ढूंढ कर लूंगी। थैंक्स राहुल। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ। बाय। आर यू श्योर? ओके ठीक है। आपने कुछ कहा? नहीं, तुमने कुछ कहा शायद? अब नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओके ओके सी यू टुमारो। ओके सी यू टुमारो। वैसे मुझे पर्सनल सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि आपके फोन पे किसी और की फोटो। मैं ये वादा करता हूँ कि वो पलक झपकते ही तुमसे माफी मांगता नजर आएगा। अच्छा है, अंत भला तो सब भला। अदालत डॉक्टर अनुपमा कुमारी को ही अपने माता पिता का कातिल करार देती है। तुम्हें उसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए थी सावित्री। हम क्या करें, हम अपनी जज्बातों को काबू में नहीं रख पाए। एक तो फोन लगा लगा के हम थक जाते हैं, और ऊपर से लगता भी है तो वो उठाती नहीं है। हमें चिंता नहीं होती। मानता हूँ सावित्री, मगर वो वहाँ नौकरी करने गई है। हमें इस बात को भी समझना होगा ना। तो क्या दुनिया में सारे लोग घर से बाहर जाते हैं तो वो बदल जाते हैं? औरों की तो नहीं पता, मगर हमारी बेटी ना बदली है और ना ही बदलेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और वो वहां मन लगाकर काम कर रही होगी। बस जैसे भी है, भगवान उसे खुश रखे। हाय सपना। हेलो सर। डॉक्टर सारिका है? डॉक्टर सारिका अपना केबिन में है सर। ओके। आप यहाँ बैठी हैं और आप कह रही थी कि आपको कहीं जाना है। खैर, मैं पूरी रात सोचता रहा
और रात भर सोचने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी तो मेरे बारे में कौन सोचेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा विस्तार में कहेंगे श्रीमान राहुल साहब? यस राहुल जनाब, जरूर विस्तार में बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो दूसरों के बारे में कौन सोचेगा। खैर, जहाँ आप जा रही हो बता के जाइएगा ताकि ढूंढने में आसानी हो। जाना तो था पर आपके सीएमओ जाने देंगे? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना हॉस्पिटल में। अरे ढूंढ वरी, मेरा आज वीकली ऑफ है, मैं तुम्हारी जगह प्रॉक्सी लगा दूंगा। खैर जा कहाँ रहे हैं आप? धुंधले बादलों में आशा की एक किरण दिखी है। बस उसी सिलसिले में जा रही हूँ। बाप रे, क्या हुआ? अरे यार ये फिलॉसफी है गहराई। खैर जहाँ जा रही हैं आप मैं फोन करूंगा, उठा लीजिएगा, अदरवाइज टाइम मिले फोन कर लीजिएगा, ठीक है? जाओ गेट अप, कम ऑन कम ऑन, हरी अप, जाओ जाओ, चलो 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 निकलो। पता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, वक्त आएगा तो चुका देना। हाँ थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो भाई चलो, लेट हो जाएगा, चलो चलो कमर कमर। कहाँ जाते चम्मक? चलो हम यहाँ खड़े हैं ना। क्या कर रहे हैं? कौन वापस? चमको मिस चमको वो नहीं दिखाई दे रही है। मिस चमको कौन? डॉक्टर सरिका? वही तो जो सबको चमकाती है, खुद भी चमकती है, कहाँ है वो? क्या बताएं मैन, अरे सुबह सुबह आई कुछ नहीं बोली, पता नहीं कहाँ चली गई। और ये जो है ना, अरे यही डॉक्टर राहुल? हाँ। अरे पपेट बना पड़ा है उसका। अरे ऐसे कठपुतली की तरह नचाती है उसको, जो कहते है वही करता है, जो कहते है वही करता है। अभी उसकी ड्यूटी बजा रहा है। तुमको पहले काहे नहीं बताई सब बात? क्यों, उसके बदले तू ड्यूटी बजाता क्या? हम ड्यूटी नहीं बजाते, और दूसरे की जगह ड्यूटी बजाने वाले का बैंड बाजा बजा देते, क्या बात करती है? जो ये तू टेढ़ा मेढ़ा बात करता है ना मैन, वो अपने दिमाग में नहीं घुसता, ऊपर से निकल जाती है, समझा क्या? एक बात बोल। क्या? मेरी साइकिल पर डबल सीट बैठ के दोनों अच्छे पेड़ के नीचे चलो, सब आपको ढंग से समझा देंगे। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरी उस खटारा साइकिल पे ना मेरी जूती भी ना बैठे। अच्छा? बात करता है। मुंह खोलो तो हम चार पहिए की कार ले आए आपके वास्ते। बोल लिया। यस सर। आ गया आ गया। कमाल की छुकड़िया यार, बहुत खर्चा है इसके पीछे। चलो यार काम उसी वक्त। साहब हम बोल रहे हैं, वो अपनी मैना है ना, डॉक्टर सारिका साहब, वो आज फिर शुरू हो गई है। हमें तो झटका लगा, सोचा ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। जी जी, अरे साहब कोई भी एक्शन जल्दी लीजिए। हाँ आप लीजिए, धन्यवाद। बहुत फुदकती है ना मिस फुदकू। अब हमारा साहब तेरे पैर में ऐसी जंजीर डालेगा ना कि जमीन पे फड़फड़ाते हुए नजर आएगी। हमारा नाम कुकू ऐसे थोड़ी ना है। अगर यही दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई आपको? हाँ लगता है। कोयल डॉक्टर राहुल, अरे मुस्टंडा कहाँ से आ गया? क्या बात है डॉक्टर राहुल, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अब कुछ नहीं, बस मैं यही देख रहा था कि इंस्पेक्टर आनंद को क्रिमिनल से ज्यादा मरीजों में इंटरेस्ट है, इसलिए बार बार आप भागते हुए दौड़ते हुए हमारे हॉस्पिटल चले आते हैं। क्यों? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बीमारों में दिलचस्पी हो, डॉक्टरों में भी हो सकती है। एक नंबर के दिल फेंक हो तुम गुरु, हमको सब पता है कि किस डॉक्टर में दिलचस्पी है तुम्हारी, सारिका से दूर ही रहना। आपने कुछ कहा? हाँ मतलब ना, मतलब आपको कैसे पता चला? पुलिस वाला
सुन लेता हूँ। अरे यार, ये आदमी बीमारी की तरह मेरे पीछे ही पड़ जाता है। इंजेक्शन लगा दूं क्या? अब वैसे बताइए इंस्पेक्टर आनंद कि मैं आपकी कैसे खदमत कर सकता, मतलब हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ जी। मुझे एक्चुअली सारिका जी से मिलना है। कहाँ है? आ गई ना असली बात जुबान पे, उनसे मिलने ही नहीं दूंगा। पुलिस वाले हो ना, ढूंढ लो। जी वो नहीं नहीं है, मतलब कहाँ चली गई? एनी आइडिया? जी मालूम नहीं, मतलब इम्पॉसिबल है मिलना। कहने का मतलब है कि उन्होंने लंबी छुट्टी ली है। कहने का मतलब अब मैं सीधे सीधे समझा रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है मिलना सर जी। हर बार सुना कर जाता है कि पुलिस वाला हूँ, सूं लेता, कैसे मुंह लटक गया बेचारी। ठीक है, जब आए तो मुझे कॉल करने के लिए कहना। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें क्या पागल लगता हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि मैं डॉक्टर सारिका से कहूंगा कि तुम्हें फोन कर लो? मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा बरखुरदार। बाय 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 बाय। अरे यार रुक क्यों गया, कहीं इसने फिर से सूंघ तो नहीं लिया मेरे मुंह की बात? बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर राहुल, जब भी डॉक्टर सारिका अचानक गायब होती है कुछ ना कुछ हादसा होने का अंदेशा होता है, या फिर वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसी हो, यह ख्याल दिल में आता है। अगर ऐसा है इंस्पेक्टर अनंत, तो मेरे ख्याल से आप इंस्पेक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर सारिका इस वक्त कहाँ है, कैसी है, किस हालात में है। एक्चुअली यू आर राइट, मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि जब से उन्होंने मेडिसिन स्कैम का पर्दाफाश किया है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जो लोग इस स्कैम में इन्वॉल्व हैं वो छोटे मोटे लोग तो नहीं। डॉक्टर राहुल, दे आर डेंजरस पीपल। सांस लीजिए, खांसी भी आ रही है, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑयली स्पाइसी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? चक्कर तो नहीं आता ना आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक, ठीक हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वो गोली है? जी बाहर। खाने में लापरवाही कर रहे हैं है ना? नहीं नहीं, मैं थोड़ा मीठा खा लेता हूँ बस। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। क्या करें, मन नहीं मानता ना डॉक्टर। कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब। कैसे काका? एकदम बढ़िया, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है घुटनों में डॉक्टर। पर कीजिए। थोड़ा थोड़ा। आप यहाँ? डॉक्टर सारिका कहाँ है? सर वो डॉक्टर सारिका कुछ अर्जेंट काम था उन्हें तो। मेरे मना करने के बावजूद डॉक्टर सारिका अपनी ड्यूटी छोड़कर गई। अरे समझती क्या है वो अपने आप? अगर वो ये समझती है कि वो यहाँ की मालकिन है तो ये गलत। मैं सीएम हूं और ये हॉस्पिटल मेरी मर्जी से चलेगा। वो समझती है कि उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर ये गलत फहमी है उसके दिमाग में तो ये गलत फहमी उसे निकालनी होगी, वरना मैं ये गलत फहमी दूर कर दूंगा। मैं उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। सर मैं उनकी जगह प्रॉक्सी कर रहा हूँ, मैंने प्रॉक्सी रजिस्टर पे साइन भी किया सर। और आपकी ड्यूटी का क्या बरखुरदार? सर मेरा आज वीकली ऑफ है तो प्लीज सर आज आज की बात है, जाने दीजिए ना सर। अब कल वो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो टाइम पे होंगी सर। वाह डॉक्टर राहुल, क्या जवाब दिया है आपने, मैं तो आपका कायल हो गया। अब आप दोनों मिलकर फैसले करने लगे हैं और मुझे खबर तक नहीं देते। सर मैं आपको बताने वाला था लेकिन। आज तो आपने डॉक्टर सारिका को बचा लिया लेकिन कल नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस हॉस्पिटल का सीएमओ मैं हूं और मैं ही रहूंगा और यह हॉस्पिटल मेरी मर्जी से चलेगा।
आपकी मर्जी से नहीं या डॉक्टर सारिका की मर्जी से नहीं। यू अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। थैंक गॉड तुम आ गई। क्यों, क्या हुआ? मैं बता के तो गई थी। इस हॉस्पिटल में तुम्हारे चाहने वाले इतने ज्यादा हैं ना कि मैं सुबह से जवाब देते देते थक गया। क्या हुआ, कौन कौन? अब अरे भाई, अपने सीएमओ साहब, मरीज, इंस्पेक्टर आनंद, इवन आई वाज मिसिंग यू। खैर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन अच्छा लगा। कुछ देर अपने आप से मुलाकात हुई, बहुत से सवालों के जवाब मिले, अकेले बैठ के अलग ही शांति आती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, इतनी अच्छी लाइन कैसे भूल लेती हैं आप? अकेले बैठ के खुद के सवालों का जवाब ढूंढ के सवाल के जवाब मिले। या भाई, ऐसी लाइंस तो या तो बाबा लोग बोलते हैं या तो इंट्रोवर्ट लोग बोलते हैं। आप महापुरुष हैं, प्रणाम। खैर, जिस काम के लिए गई थी वो हुआ? नहीं हुआ तो नहीं, पर होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी मंजिल बहुत करीब है, अगली बार तकदीर मेरा साथ जरूर देगी। अरे यार, मंजिलों का पता नहीं, लेकिन सीएमओ साहब बहुत नाराज, बहुत कुछ सुना कर गए। उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उनके एटीट्यूड से लग रहा था कि इस बार वो चुपचाप बैठेंगे नहीं। तुम यहाँ इतनी रात गए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ ना। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और क्या, और क्या, और क्या? छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो मत, प्लीज प्लीज बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।